हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इजोइक का जो एक्सेस है वो अपने एडसेंस के अकाउंट से कैसे हटाएंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये मेरा कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। आप जल्द से जो है सबसे पहले अपना अकाउंट पर आप लॉगिन कर लीजिएगा एडसेंस का। देखिए लॉगिन हो चुका है, मैं इसे नहीं हटाता, लेकिन हटाने के पीछे कुछ रीज़न है कि इजोइक मेरा डिसअप्रूव हो गया है और फिर से अप्लाई करने के लिए मुझे 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप भी इजोइक यूज़ कर रहे हैं और डिसअप्रूव हो चुका है या फिर अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। करने से पहले दो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एडसन आपका अप्रूव्ड होना चाहिए और दूसरा इजोइक। ठीक है, वो चाहता है कि आपके वेबसाइट पे ओरिजिनल मतलब विजिटर्स आए, यानी ऑर्गेनिक विजिटर्स आए, और वो भी मंथ का वो एवरेज खोजता है 10,000। ठीक है, 10,000 वो विजिटर मांगता है। ठीक है, पेज व्यू नहीं, विजिटर मांगता है वो। अगर नहीं आता है तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो वो डिसअप्रूव कर देगा और 6 मंथ दोबारा अप्लाई करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा तो डिसअप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन इससे मुझे प्रॉब्लम क्या हो कि आप एडसेंस जो है वो इंप्रेशन नहीं भेज रहा मेरे वेबसाइट पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 पेज भी बता रहा, बट इंप्रेशन कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जबकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो उसमें इंप्रेशन जा रहा है, ठीक है, एड उसमें शो हो रहा है, लेकिन वेबसाइट पर नहीं हो रहा है। तो मैं फिलहाल अभी इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए जस्ट आपको अपने, तो गाइस देखिए इसको आप कैसे कीजिएगा। तो नीचे में देख लीजिए, सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट में आप आइएगा। अकाउंट में ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन। तो आप एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन में जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद जो है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड पार्टीज, ठीक है, तो आपको ये थर्ड पार्टी में जाना है। थर्ड पार्टीज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बताएगी कि कौन कौन सा थर्ड पार्टी आपके एडसेंस को जो वो एक्सेस कर रहा है। देखिए मेरे यहाँ पे ब्लॉगर एक्सेस कर रहा है, यूट्यूब एक्सेस कर रहा है और इजोइक एक्सेस कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे इजोइक के नीचे देखिए रिमूव मैनेजर फ्रॉम अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं कि क्या कुछ बता रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे आप डिटेल पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसे, ठीक है, और इसे मैं यहाँ से करता हूँ कंफर्म। अब सिंपली जो है दोस्तों, यहाँ से मेरा जो है थर्ड पार्टी एक्सेस जो है ये मेरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से जो है अपने एडसेंस से जो है इजोइक को रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।